सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत भोगर मोहल्ले में सुने घर पर चोरों का धावा। लगभग 2.5 लाख के जेवरात चोर अपने साथ ले गए। इस दौरान चोरों ने घर की जमकर ली तलाशी। घर के कर्मचारी पर ही चोरी का शक। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत घोघर मोहल्ले में सूने घर पर चोरों का धावा। लगभग 2.5 लाख के जेवरात चोर अपने साथ ले गए। इस दौरान चोरों ने घर की जमकर ली तलाशी। घर के कर्मचारी पर ही चोरी का शक जाहिर किया घर के मालिक। रीवा की सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत घोघर मोहल्ले में सूने घर में लगभग 2.5 लाख की चोरी हो गई। परिवार अपने दूसरे घर में था। इस दौरान घर के कर्मचारियों पर ही चोरी का शक। उसकी एक साफ सुथरी वजह, पूरे घर की तलाशी ली गई। सारे कमरों के दरवाजे खोले गए लेकिन किसी भी कमरे के ताले नहीं टूटे। माना जा सकता है जिसने भी चोरी की उसके पास पूरे घर की डुप्लीकेट चाबी मौजूद होगी। साथ ही उसको इस बात की भी जानकारी रही होगी इस और जल्दी कोई नहीं आएगा। इस दौरान चोरों ने लाखों के सोने चांदी जेवरात पार कर दिए। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत घोघर मोहल्ले में रहने वाले जय कुमार जड़िया ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि ये घटना के समय हम लोग अपने दूसरे घर में थे। 21 तारीख को हमारे बहनोई खत्म हो गए थे, तो उस चक्कर में हम लोग अपने रानीगंज में वाले घर में थे। ये घर खाली था। मैं कल आया हूँ 4 बजे, यहाँ तो नहा के गया हूँ, तब तक मामला सब ठीक था। आज सुबह आए हैं 8:15 बजे, तो पूरा घर तहस नहस मिला मेरे को खोलने पे। और जब सामान देखा तो लगभग 2.5 लाख के आसपास का चोरी हुई है, जिसमें सोना चांदी, बुफर, जियो फाइबर का है, कुछ घर में कीमती खिलौने लगे थे, वो सब इस तरह से वो ले गए हैं। आपके घर का हर ताला खोला गया है, मतलब ताला तोड़ा नहीं गया, ऐसा क्या, कौन था आपके बीच में? हमें शक है कि हमारे बहनोई की दो लड़के सेवा कर रहे थे, एक मंसूर और एक मुन्ना करके, जो दोनों निवासी सेंट्रल बैंक के पीछे फोर्ट रोड स्थित है। ये इन्हीं के द्वारा घटना का अंजाम दिया गया है, जिसकी विधिवत रिपोर्ट मैंने थाना सिटी कोतवाली में की है। ये आपके संपर्क में आवेदन दिया? ये हमारे बहनोई के साथ रहते थे उसी मोहल्ले के होने के कारण। क्या बहनोई का नाम था? बहनोई का नाम था यशवंत कुमार तामका, जिनकी मृत्यु हो गई है 21 अक्टूबर को। उसी के चलते कार्यक्रम करने के हिसाब से हम लोग पुराने घर चले गए थे, ये घर खाली पड़ा हुआ था हमारा। अच्छा, इनसे संपर्क करने का प्रयास किया भी आपने? नहीं, उसका मंसूर का फोन खुद आया था अपने से, जो ये बता, मतलब उसके बातों से लगता है कि हमने उसको कोई फोन नहीं किया किसी तरह का, अपने से उसने लगाया था कि भैया सुने हैं कोई कांड हो गया है। तो ये लगता है कि जब हमने कुछ कहा नहीं तो इसको जानकारी हुई कैसे? आपका? मेरा नाम जय कुमार जड़िया।